हाय नमस्कार। फंगस क्या होता है? फंगस हमारे वातावरण का एक अभिन्न अंग है कि वातावरण के हर जगह पे, जैसे कि हम लोग ये कपड़े हैं, ये पेन है, ये घड़ी है, या टेबल है, या जितने भी हवा के अंदर भी कई सारे प्रकार के फंगस रहते हैं जो हमारे आसपास के वातावरण में, जहाँ पर मॉइस्चर ज़्यादा हो, आर्द्रता ज़्यादा हो, या कुछ एटमोसफेयर में इस जगह पर ज़्यादा ग्रोथ करते हैं। कई बार हम लोग ये फंगस जो होते हैं, इसे हम लोग खाते भी हैं। जैसे कि आपने सुना होगा मशरूम भी एक प्रकार का फंगस है जिसे हम लोग खाते हैं। आजकल हमने सुना है ब्लैक फंगस के बारे में, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। ब्लैक फंगस कुछ ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो बहुत पहले से हो या अभी भी आई हो। ब्लैक फंगस पहले भी, ये बीमारी बहुत पहले से हम लोग इसको ट्रीटमेंट कर रहे हैं, मगर उसकी संख्या इतनी कम थी। जैसे कि कुछ समय में देखेंगे तो ज़्यादातर लोगों में देखा होगा कि साल में एक या दो पेशेंट्स की हमें इस तरह के देखने को मिलते थे, पर चूंकि इस समय पे महामारी कोरोना चल रहा है, इस समय पे लोगों की इम्यून शक्ति या इम्यूनिटी या रोग प्रतिरोधक क्षमता इतना कम हो गया है, या उसकी वजह से ये जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, जैसे हम लोगों ने अपॉर्चुनिस्टिक मतलब होता है मौका परस्त जो वैक्सीन जो फंगस होता है, ये हमारे शरीर को भी अटैक करने लगा है। नॉर्मली क्या होता है इसके अटैक करने के, किसी भी फंगस को ग्रो करने के लिए एक अच्छी वातावरण मिलता है तो वो उसे ग्रो करता है। जैसे कि अगर उसे आर्द्रता मिल जाए, ऑक्सीजन मिल जाए, या उसके जो फूड के हिसाब से ग्लूकोज या कुछ मिल जाए तो वो अच्छे से ग्रो करता है। ये सब चीज़ें हमारे शरीर पर उपलब्ध हैं, हमारे शरीर के आसपास स्किन से लेकर हर किसी भी जगह पर आर्द्रता भी है, ऑक्सीजन भी है, ग्लूकोज भी है, प्रोटीन सब चीज़ें हैं। तो ये फंगस को ग्रो करने के लिए अच्छी एक एटमॉस्फेयर बनाता है, वातावरण देता है। परंतु नॉर्मल लोगों में क्यों नहीं होता? क्योंकि नॉर्मल साधारण लोगों में एक रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है जो उस वक्त जो फंगस है उसे ग्रो करने के लिए रोकता है। इसे ऐसा समझे कि हमारे शरीर में बहुत सारे सेल्स होते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता का मतलब होता है सेल, कोशिका, जो कोशिका हमेशा हमारे शरीर के जो बाहर से जो बैक्टीरिया, वायरसेस और जो इन्फेक्शन जो भी अटैक करते हैं, ये हमारे जो कोशिका होता है जिसमें लिंकोसाइट है, मोनोसाइट्स है, ये जितने अलग अलग तरह के सेल्स होते हैं, ये सेल्स हमेशा कुछ एंटीबॉडीज या कुछ डायरेक्टली इन्वेज करते हैं, डायरेक्टली उसको फैगोसाइट करते हैं, उस जो फंगस बैक्टीरिया उसको मारते रहते हैं, जिससे हमें पता नहीं चलता कि ये कब फंगस हमारे शरीर में आया, कब उसको मार दिया गया और उससे इन्फेक्शन ना फैला। तो फंगस को जब कोरोना के साथ में क्या संबंध है? सब चीज़ सेम है, बट एक ही चीज़ है कि हमारे शरीर में इम्यूनिटी या रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो गई, इसकी वजह से वो फंगस को ग्रो करने का मौका मिल गया। बाकी सभी समय पे सेम कंडीशन सभी के साथ लागू होती है। सो एक तो कोरोना के कारण आपने देखा होगा कि इस प्रकार से हमारे शरीर में जब कोरोना फैलता है, फैलने की वजह से हमारे लंग्स में कंजेशन हो जाता है। कंजेशन होने की वजह से उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टीरॉयड देते हैं। स्टीरॉयड क्या होता है? स्टीरॉयड एक ऐसी इमरजेंसी ड्रग है या हार्मोन है या ऐसी दवाई है जो हमारे शरीर की प्रोड्यूस करती है, साथ में हम लोग बाहर से भी देते हैं डॉक्टर्स उसको ट्रीटमेंट करने के लिए, कि हमारे शरीर में जो इम्यूनिटी से रिलेटेड जो एंटीबॉडीज होती है वो इतना ज़्यादा मात्रा में इसको मारने के लिए आ जाता है, किसको, वायरसेस को, कोरोना वायरस को, कि जो उसकी वजह से पूरी लंग्स में कंजेशन हो जाता है। अब वो एंटीबॉडी हमारे शरीर के द्वारा ही तैयार किया गया है, तो अब उसे तैयार उसी को सप्रेस करने के लिए एक इमरजेंसी ड्रग जिसे कहा जाता है स्टीरॉयड, उसे देने से क्या होता है, जो हमारे बॉडी के जो सेल्स होते हैं उनका एक तरह से इंस्ट्रक्शन से समझे कि हमने उन जो सेल प्रतिरोधक क्षमता वाले सेल्स हैं जो हमारे सिक्योरिटी करते हैं, उनको बोल दिया गया है कि तुम अभी रुके रहो या फिर सप्रेस कर दो। जब हम स्टीरॉयड उस सेल्स को सप्रेस कर देते हैं तो उससे जो बनने वाली जो इम्यून सिस्टम है वो खत्म हो जाता है, और उस समय पर जो बाकी दूसरे जो फंगस है या जो बैक्टीरिया वो उस समय पर शरीर के अंदर ग्रो करना शुरू कर जाते हैं, जिससे फंगस फैलते हैं। तो ब्लैक फंगस जो है वो एक इसी प्रकार की बीमारी है जो हमारे जब हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, मास्क के थ्रू लेते हैं या ऑक्सीजन की नली के थ्रू लेते हैं, कई लोग जो घर पर आइसोलेशन पर हैं, उस आइसोलेशन के समय पे बहुत सारी जो सावधानियाँ हैं या क्लीनलीनेस से संबंधित, साफ सफाई से संबंधित क्लीनलीनेस जो है वो पूरी तरह से ठीक से नहीं किया जाना बड़ा मुश्किल है, जैसे कि आईसीयू में या उस दूसरे सेटअप में किया जा सकता है। तो कई बार हम लोग जो मास्क लेते हैं उसमें कई बार क्लीनिंग नहीं होती है, या फिर उसमें कुछ जो पानी डाल के जिसको अपन ह्यूमिडिटी बढ़ाने के लिए करते हैं वो पानी अनस्टाइल है, तो
उस जगह पे अगर अस्टर्न पानी दिया जाएगा तो उसके अगर 1570 उसे ग्रो करके सीधा हमारे मास्क के थ्रू नाक में जा सकता है। इस प्रकार से चूंकि ये वातावरण में ऑलरेडी प्रेजेंट है तो कई बार हम लोग हमेशा 24 घंटे मास्क में रख ही सकते हैं, दूसरे समय भी जा सकता है और थोड़ी जो होगा वो भी ग्रो कर सकते हैं। तो ये इससे बचने का सबसे सिंपल तरीका है कि सबसे पहले तो हम जो मास्क या सब चीज़ यूज़ कर रहे हैं, अगर आप अस्पताल में तो डॉक्टर्स उसको अच्छे से करते हैं, उसकी वॉल्यूम होने का चांसेस रहता है कि चूँकि हम लोग इम्यूनोसप्रेशन ड्रग या स्टीरॉइड उसको यूज़ करते हैं, साथ में बहुत सारी दूसरी दवाइयाँ होती है जो इम्यूनिटी को सप्रेस करती है, दबाती है। दूसरा तरीका होता है कि अगर आप आइसोलेशन पे हैं, होम आइसोलेशन पे हैं, तो डेफिनेटली आप डॉक्टर के सलाह पर ही स्टीरॉइड को यूज़ करें और किसी के संपर्क में जरूर रहें। ब्लैक फंगस के लक्षण क्या क्या होते हैं? देखिए, जो लक्षण जो इसके रहेंगे वो इस पर डिपेंड करेगा कि ब्लैक फंगस हमारे शरीर में किस पार्ट पे वो अफेक्ट कर रहा है। सबसे पहले तो आप नाक से समझें कि यहाँ पर जो अपने नेजल साइनेसिस, पैरानेजल साइनेसिस कहते हैं, उसमें से आपके नाक टाइट हो जाएंगे, आपके नाक से खून भी आ सकता है, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, ऐसे लगे आपका नाक बंद हो गया है, या कुछ एक बड़ी सी एबनॉर्मल ग्रोथ भी दिख सकती है, और अगर ये आगे बढ़ जाता है इस एरिया में तो यहाँ पर स्वेलिंग भी आ सकती है। सो अगर ये स्वेलिंग अगर इस एरिया में है तो यहाँ पर आपको स्वेलिंग दिखेगी, पेन करेगा, दर्द करेगा और साथ में हेडेक हो सकता है, नाक में पेन हो सकता है। अगर ये जो इन्फेक्शन आँखों तक पहुँच गया तो आपकी आँखें लाल हो जाएंगी, आँखें बाहर आ सकती है और आँखों के अंदर धुंधला दिख सकता है, आँखों की रोशनी जा सकती है। अगर ये आगे चल के ब्रेन तक पहुँच गया तो ब्रेन में यहाँ पर हेडेक हो सकता है, किसी अंग की पैरालिसिस भी हो सकती है और साथ में बहुत सारे जो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स वो भी आ सकते हैं। तो ये डिपेंड करें किस प्रकार से ये अपने बॉडी के पार्ट ले। ये फंगस इतना स्ट्रांग होता है कि अगर आपकी इम्यूनिटी डाउन है तो किसी भी जगह पे, अगर मान लीजिए स्किन है, अगर यहाँ पर इन्फेक्शन हुआ तो पहले स्किन की चमड़ी को वो धीरे धीरे ग्रो खा लेगा, इन्वेस कर देगा, उसके बाद धीरे धीरे उसके अंदर जब हड्डी भी आ जाती है तो हड्डी को भी इन्वेस कर देगा, मतलब उसको गला देगा, फिर उसके बाद अगर अंदर कोई नर्व्स होता है उसे भी गला सकता है। ये एक प्रकार से बहुत ज़्यादा हाई प्रकार जो हर एक पार्ट को धीरे धीरे करके अंदर तेरे घुसता जाता है, और चूँकि ये खाते जाता है तो उसमें से ऑक्सीजन या जो ब्लड की मात्रा, इसमें बाकी सब बीमारी ब्लड रहता है जैसे रेड दिखता है, चूँकि इस समय पर ये इसकी खून जो भी मात्रा रहता है उसको भी यूज़ कर लेता है, इसलिए ये जो ग्रो होते होते यहाँ पर किसी प्रकार का कोई ब्लड नहीं रहता है, इसलिए ब्लैक या काले रंग का दिखता है, इसलिए इसे फंगस को ब्लैक फंगस कहा जाता है। इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर ये इन्फेक्शन बॉडी में फैल जाता है तो लगभग ऐसा कहा जाता है कि 50% लोगों की मृत्यु होने की संभावना रहती है। अगर आपने उसको सही तरीके से समय पर उसको किया तो आपकी बचने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। अगर मान लीजिए आपकी आँखें के अंदर इन्फेक्शन होंगे तो आँखें भी निकालनी पड़ सकती है, अगर कुछ देर तक कुछ एरिया तक है तो इसमें इतना एरिया अगर आपने निकाल दिया तो भी शायद आपका जान जा सकता है। तो एक ऐसी बीमारी इसमें जाने जाने का खतरा बहुत ज़्यादा है, तो आपको बहुत सतर्क रहना है और साथ में आपको कोशिश करना है कि जितनी जल्दी हो सके आप सिम्टम को देखें और अपने आसपास के डॉक्टर्स या जो आपसे कंसल्ट हैं उनके पास जाएं उनसे इलाज के लिए। कोरोना और ब्लैक फंगस में कुछ बातें डिफरेंट है, जैसे कि कोरोना के साथ हमने देखा कि जब भी किसी को कोरोना होता है तो उसका आइसोलेशन डाल देते हैं, तो जिससे कि एक दूसरे से फैलती है, उसके सामने रहने पर उससे बात करने से हवा के तो करती है। बट ब्लैक फंगस के बारे में ऐसा नहीं है। ब्लैक फंगस अगर किसी आपके किसी पेशेंट्स को कि कोरोना का ट्रीटमेंट हो चुका है और ये ब्लैक फंगस से लड़ रहा है तो आप उसे डरे नहीं, क्योंकि उससे आपको फैलने की संभावना नहीं है, क्योंकि फंगस तो आपके शरीर में भी है, क्योंकि आपको इसलिए नहीं हो रहा है कि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, तो इससे आप डरे नहीं, किसी तरह से ये संक्रमण से संक्रमित बीमारी नहीं है।